लेक्चर नंबर 5 आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लेक्चर नंबर 5 के नोट्स हैं, आप इनको अपनी नोट कॉपी में नोट कर लें और फिर इस लेक्चर को कंप्लीट देखें, उसके बाद इसको फिर सॉल्व करें। ठीक है, एक बार मैंने इस लेक्चर को पढ़ा दिया है, आप उसको पहले कंप्लीट देख लें, उसके बाद इसको कॉपी में नोट करें और फिर खुद से आप क्या करिए, इसको सॉल्व करें। इस लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन किस में कितना है। ठीक है, या बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। एक पाई बॉन्ड का मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और एक रिंग का मतलब भी होता है 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। या फिर अगर किसी कंपाउंड में एल्केन के कंपेरिजन में 2H की डेफिशिएंसी है तो 2H की डेफिशिएंसी से भी क्या क्रिएट होता है, 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1 रिंग या कह सकते हैं 1 पाई बॉन्ड। और अगर 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है तो उसका मतलब होगा कि 2 रिंग या फिर 2 पाई बॉन्ड और या फिर 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है तो इसका मतलब है 2 डबल बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड होंगे या 2 रिंग होंगे या 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग होगा। तो कह सकते हैं 2 डबल बॉन्ड होंगे या 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड होगा या फिर 2 रिंग होंगी। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, इस पूरे लेक्चर को पहले आप देखिए और उसके बाद फिर अपनी नोट कॉपी में इसको सॉल्व करिए। खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये हमेशा आपको याद रहेगा और आपको कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम फिर परेशान नहीं करेगी।